हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो किया कि भाई ये सोनेट है, जीटी लाइन वेरिएंट है। और इस वेरिएंट पे बात करें भाई, कम से कम 6 महीने की वेटिंग है। आप शोरूम में जाते हो भाई, वहाँ पर कम से कम आपको 6 महीने की वेटिंग देंगे। पर भाई हमने ये गाड़ी 2 दिन में अरेंज करा के दिया विथ फैंसी नंबर। तो भाई आगे वीडियो में बने रहो, साथ के साथ देखो भाई, अगर आपको भी कोई सी भी गाड़ी लेनी है तो कैसे आप लेकर जा सकते हो। बाकी किया कि भाई सेल्टोस, अपना सोनेट, कैरेंस, कोई सी भी गाड़ी आपको चाहिए तो भाई बिल्कुल आप कांटेक्ट करके बिना वेटिंग के लेकर जा सकते हो। ये अंदर देख रहे हो भाई, इसका इंटीरियर है तो ऐसा कुछ भाई इसके अंदर ना इंटीरियर आता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जीटी लाइन जिसे वेरिएंट का नाम है। बाकी 6 महीने की वेटिंग भाई सबको पता होगा जो प्लान कर रहा है। इवन भाई महिंद्रा की कोई सी गाड़ी हो, मारुति की कोई सी गाड़ी हो तो आप भाई बिल्कुल लेकर जा सकते हो। बाकी ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है और डीजल में है, ये मेन बात। भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई पेट्रोल में अवेलेबल हो जाती है, पर भाई पेट्रोल में भी नहीं हो रही ना डीजल में। तो पीछे देख रहे हो भाई रोहिल मोटर्स की अपनी भाई हम ब्रांडिंग वगैरह भी साथ के साथ आपको करके देते हैं। अगर भाई गाड़ी अरेंज करके दी है आपको तो यहाँ पर ऐसे कुछ भाई सेरेमनी होती है। बाकी ये होम डिलीवरी हुई है इस गाड़ी की, तो पीछे आप भाई अपना शोरूम का नाम भी देख सकते हो, नीचे अपना रोहिल मोटर्स की भी ब्रांडिंग देख सकते हो। भाई गाड़ी की डिलीवरी आपने देख ली सोनेट की, अब बाकी अमित भैया से जान लेते हैं कितने भाई टाइम में गाड़ी मिली हमारी। बाकी भाई अमित भैया बताएंगे कि अपना कैसे कुछ उस गाड़ी का सिनेरियो था, ठीक है। कितने दिन में अगर आप भाई कोई भी गाड़ी प्लान करते हो, चाहे सोनेट ही प्लान करते हो, तो कितने दिन में मिल जाएगी, कहाँ आना पड़ेगा, बाकी कैसे कुछ भाई गाड़ी मिलती है, तो अमित भैया आगे बताएंगे कि कौन सा क्या कुछ मॉडल था। किया की ये सोनेट थी, सोनेट GTX प्लस टॉप मॉडल था ये डीजल का ऑटोमेटिक में। और ये हमने 2 दिन में गाड़ी अरेंज कर दी थी और 3रे दिन हमने पेमेंट करके बिल हो गया था गाड़ी का। उसके बाद कस्टमर की डेट के अकॉर्डिंग हमने डिलीवर कर दी गाड़ी, ठीक है। और इवन इस गाड़ी में हमने फैंसी नंबर भी दिया, आपने देखा हो तो इसमें फैंसी नंबर कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग है। हम दिल्ली में जिससे फैंसी नंबर अरेंज कराते हैं, जो भी आपका चॉइस का नंबर है वो अरेंज हो जाता है इजीली, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो भी चीज़ इसमें। और कोई भी डिलीवरी जल्दी ले सकते हो आप, सोनेट हो गया, सेल्टोस हो गया, या किया की करेंस हो गई, ठीक है, या कार्निवल हो गई, सभी गाड़ियाँ अरेंज हो गई। तो अब जैसे कंपनी तो इन पर 6-6 महीने की वेटिंग दे रही है, तो आप कैसे दिला दे रहे हो इतनी जल्दी? ये हमारा अलग अलग एरिया में नेटवर्क होता है, जैसे भाई कुछ कोई हरियाणा, पंजाब या यूपी कहीं पे भी हमने कुछ ऐसे डीलर्स सिलेक्ट कर रखे जो हमें कोऑपरेट करते हैं और कुछ कुछ गाड़ियां हमें अरेंज कराते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डील करते हैं सारी। तो ये कंडीशन रहती है कि भाई किसी भी एरिया से हम आपको गाड़ी दे सकते हैं, ये नहीं कि भाई दिल्ली से देंगे या हरियाणा से देंगे, कहीं से भी दे सकते हैं गाड़ी, जहाँ से भी अवेलेबल होगी बेस्ट ही। और अगर जैसे हम बात करें कि इसकी कंपटीशन में वेन्यू होगी, चाहे ग्रैंड विटारा, अनदर सेगमेंट की भी गाड़ियाँ होगी, तो वो भी अपने पास अवेलेबल है जिन पे वेटिंग हो? बिल्कुल है, वेन्यू भी अवेलेबल है, सोनेट तो है ही, ठीक है, या मारुति की ब्रेजा भी अवेलेबल है, पेट्रोल में भी, CNG में भी, XUV300 भी अवेलेबल है, टाटा नेक्सोन भी अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल। तो जैसे अब हम बात करें कि उसमें क्या कुछ उसका सीन रहता है, जैसे अगर आप गाड़ी दिलाते हो तो कहाँ से क्या मिलेगी? वो तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग पता चलता है कि किस एरिए से हमें गाड़ी मिल रही है और हमें गाड़ी का कहाँ बुक करनी है। गाड़ी बुकिंग का प्रोसेस हमारे थ्रू रहता है सारा, बुकिंग का, लोन का, डिलीवरी तक का सारा प्रोसेस हम अपने बिहार पे करते हैं। तो अब जैसे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि गाड़ी हमें मतलब आप दोगे या शोरूम वाले देंगे कि कहाँ से मिलेगी? गाड़ी चॉइस आपकी है, आप शोरूम से डिलीवरी ले सकते हो, हमारे ऑफिस से डिलीवरी ले सकते हो, आप अपने घर पे भी डिलीवरी ले सकते हो, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। और सोनेट के केस पे तो हमने होम डिलीवरी दी थी, इसमें होम डिलीवरी कराई हमने कस्टमर को। तो भाई ये चीज है। बाकी अगर बात करें कि अनदर सेगमेंट की जैसे गाड़ियां हैं उन पे लोन है, चाहे कुछ भी मतलब, तो लोन का भी सिनेरियो हो जाता है अपने पास, सारी चीज हमारे पास है ना। तो कहाँ आना पड़ेगा अगर किसी को भी लेनी है गाड़ी? ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली में है, यहाँ आ सकते हो या फोन पे भी बात कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। और किसी अनदर स्टेट में गाड़ी चाहिए तो अदर स्टेट में भी गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी, वो हम टेम्परेरी नंबर पे रजिस्टर करा के गाड़ी अरेंज कराएंगे। अच्छा, तो उसके लिए किस नंबर पे कॉल करें? उसके लिए हमें कॉल करें, या अगर कॉल नहीं पिक हो पा रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9994733322।
तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो फेसबुक इंस्टा चाहे भाई आपको कहीं भी देखना है, गूगल पे भी इवन देखना है, तो भाई आप बिल्कुल आके अपना रॉयल मोटर्स पे गाड़ी लेके जा सकते हो। बाकी भाई नंबर यहाँ पर भी फ्लैश हो रहा है, और भाई अगर वेबसाइट पे जाके आपको देखनी है कि कौन कौन सी डिलीवरी है, बाकी यूट्यूब चैनल तो हमारा है ही, तो और भी आप वीडियोज जाके डिलीवरी की चाहे कोई सा भी व्लॉग आप देख सकते हो। होप करता हूँ गाइज आपको वीडियो सही लगी होगी। बाकी भाई वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके भाई आप कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी भाई आपको वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि अगर आपको भी भाई बिना वेटिंग के गाड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए तो कहाँ पर आकर और भाई कैसे कॉन्टैक्ट करके आप भी ले जा सकते हो। बाकी ये भाई सोनेट की आपने डिलीवरी देखी, ये भी भाई बिना वेटिंग के थी, तो आपको भी भाई कोई सी भी गाड़ी लेनी है तो भाई बिल्कुल कॉल कर सकते हो, चाहे कोई सी भी इंक्वायरी हो, चाहे कोई चीज़ भी पूछनी हो तो भाई बिल्कुल आप पूछ के अपनी गाड़ी भाई लेकर जा सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो।